हेलो बच्चों, मैं आज न्यू वीडियो के साथ आई हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑयल पेस्टल से कलर करना। ऑयल पेस्टल से कलर करना बहुत इजी होता है। हम पहले वैक्स क्रेयॉन से करते थे और अभी भी करते हैं। मैंने प्लास्टिक क्रेयॉन से आपको कलर करना बताया है, मैंने स्केच से भी कलर करना बताया, बट यहाँ पर मैं ऑयल पेस्टल से कलर करना बताऊँगी। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके कलर को हैंडल करना डिफरेंट होता है। ये थोड़े मैसी होते हैं, अगर एक बार ये अप्लाई हो जाए जहाँ पे वहाँ पे ये अपना स्टेन छोड़ देते हैं और इनको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे हम सीखेंगे कि इस तरह से जो भी हमारी थोड़ी मिस्टेक होती है वो हम किस तरीके से इनको बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हम इसको ब्यूटीफुल तो बहुत बनता ही है, पर अभी आप छोटे हो तो इसको सीखना थोड़ा टफ है। तो यहाँ पर मैंने एक पेंसिल से ड्राइंग बनाई है और ड्राइंग में बिल्कुल फिशेस बनी है, इजी फिश। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल वाली मैंने शेप नहीं दी है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ कि अरे मैम ये बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी सी है, सिम्बॉलिक फिश बनी हुई है, अच्छी, छोटे बच्चों के लिए क्यूट सी। जैसे आप बना सकते हो वैसे ही मैं भी इसको वैसे ही बना रही हूँ। जहाँ थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं तो मैं इरेजर से इरेज करके इनको बना रही हूँ। तो मैंने इनके सिंपल फिन्स बनाए हुए हैं, सिंपल सी शेप दे रखी है। आप इनको शेप दे दिए, फिर मैं थोड़े सा झाड़ियाँ भी बना रही हूँ कि जैसे ये पानी के अंदर है तो पानी में थोड़ी थोड़ी घास होती है ना, जो वाटर के अंदर की होती है, वो बना रही हूँ सिंपल सी। तो मैंने ऐसे इनको ड्रॉ कर दिया, आप भी ऐसा ही से सिंपल सा ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद में हम कलर करेंगे। मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल कर रही हूँ रेड कलर का, फिश का जो हेड है वो कर रही हूँ। इसी तरह की मैं डिफरेंट मल्टी कलर्ड लूँगी, जैसे रेड के कई सारे शेड्स हैं, पिंक के कई शेड्स हैं, मैं उन सबको यूज़ करूँगी और इस तरीके से मैं इसमें कलर फिल करके सारी फिशेस को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक फिश को रेड किया, दूसरी फिश को पिंक किया है, इसका हेड मैं दूसरे कलर से कर दूंगी। एक दूसरे से रिलेटेबल कलर्स हैं, थोड़े से सब मिलते जुलते हैं, कोई डार्क पिंक है, कोई लाइट पिंक है, कोई ऑरेंज है, कोई डार्क ऑरेंज है, कोई ब्रिक रेड है। तो मेरे पास एक्चुअली बड़ा वाला ऑयल पेस्टल शेड का बॉक्स है, आपके पास छोटा वाला भी है अगर तो आप उससे अपने हिसाब से कलर फिल कर लीजिए, उसमें कलर अप्लाई कर लीजिए। कोई सी प्रॉब्लम नहीं है कि मैम मेरे पास ये वाला नहीं है जो आपने शेड यूज़ किया है, आप इससे मिलते जुलते शेड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनको भी जो इनके जो टेल वाला फिन होता है उसको आपको पूरा करती जाऊँगी। सारे कलर्स इसी तरह से मिला के चिपका के बिल्कुल पास पास धीरे हाथ से इस तरीके से कलर करूँगी कि ना तो ये बाहर जाएं और ना ही एक दूसरे से हो, क्योंकि ऑयल पेस्टल ऐसे होते हैं एक दूसरे पे अगर अप्लाई हो जाए ना एक के ऊपर एक तो ये फौरन ब्लैक ब्लैक सा इफ़ेक्ट देते हैं। इसलिए ये बिल्कुल इस तरह से हाथ साध के इनको जिस जगह पे, जिस एरिया में इनको फिल करना है, जिस स्पेस पे, वहीं पर फिल करो। इसके पीसेस एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी मैं कर रही हूँ, इनकी झाड़ियाँ जो अंदर के जो थोड़ी थोड़ी एल्गी होती है उसमें मैं कर रही हूँ, यानी कि जो वाटर ग्रास होती है उसमें कर रही हूँ कलर। तो यहाँ मैंने ग्रीन के डिफरेंट शेड्स लिए हैं, आप इसमें ग्रीन का जो आपके बॉक्स में जितने शेड्स हों आप उतने ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने ज़्यादा शेड्स ले लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्ट्रोक्स में कलर करना है जिससे कि नीचे का वाइट पेज कम से कम दिखाई दे, इस तरीके से आप सदे हाथ से कलर करेंगे। यहाँ पे कलर के लिए मैंने बैकग्राउंड भी लिया है, थोड़ा सा वाटर का इफ़ेक्ट यानी कि पानी की लहरें बनाई हुई हैं, तो मैंने उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बिल्कुल हल्के हाथ से किए हैं, वैसे नहीं किए हैं जैसे मैंने फिशेस किए हैं। फिशेस मैंने बहुत डार्क हाथ से किए हैं, डार्क स्ट्रोक से किए हैं, कलर को बहुत डार्क करके चला, यानी कि हैंड पे काफ़ी प्रेशर देके किया है, लेकिन मैंने बैकग्राउंड के लिए बिल्कुल हल्के हाथ का प्रेशर रखा है और हल्के तरीके से मैं इसको बैकग्राउंड को कर रही हूँ। मैंने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं, कोई पर्पल कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई लाइट ब्लू है, कोई डार्क ब्लू है, कोई डार्क पर्पल है। इस तरीके से पानी की लहरें बनाने के लिए मैंने डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट ऑयल पेस्टल को मैंने यूज़ किया है। यहाँ मैं देखिए फाइनल लाइट पिंक है मेरे पास में, मैं उसको कर रही हूँ। अब उसके बाद में मैंने एक टिश्यू पेपर का पीस लिया है और उसको मैं फोल्ड करके उससे जितनी भी हमारी लाइंस थी पेस्टल्स की, मैं उन लाइंस को एक दूसरे से
काफ़ी गहरे हाथ से मैं उनको कर रही हूँ, जिससे कि वो लाइंस एक दूसरे से मिक्स हो जाएं और हमारा फ्लैट कलर हो। इसको करने के लिए मैं जितने भी हमारे टिश्यू पेपर का फोल्ड है मैं उसको चेंज कर रही हूँ कि कोई भी कलर एक दूसरे से मिक्स ना होकर ब्लैक इफेक्ट ना दे। यानी कि मैं एक कलर को अगर एक फोल्ड से कर रही हूँ, फिर दूसरे कलर को मैं दूसरे पेपर के फोल्ड से कर रही हूँ, तो सारे पेपर हमारे अलग अलग फोल्ड से हो रहे हैं और इस तरीके से वो एक क्लीन क्लीन सा और बिल्कुल अच्छे से फ्लैट इफेक्ट आ रहा है, लाइंस का नहीं है। उसके बाद जब हमारी फिशेस भी हो गई, मैंने फिशेस को भी किया, मैंने ग्रास को भी किया, बैकग्राउंड को किया, और मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दे रही हूँ जिससे कि वो सारे कलर्स सेपरेट हो जाएं और सबकी शेप्स अलग अलग आ जाएं कि फिशेस की क्या शेप है, हमारी जो वाटर ग्रास है उसकी क्या शेप है और पानी की लहरों की क्या शेप है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्लैक आउटलाइन से आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, सारी आउटलाइन सभी शेप में जो फिश की शेप है वो आपको करते जाना है, वैसे ही आपकी ग्रासेस की जो शेप है वो करते जाना है। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल कर दी है। अब फिश में जो थोड़ी डिटेल वर्क होती है, इसके जो ऊपर छोटे छोटे से पंख लगे हुए होते हैं जो इनके तैरने में हेल्प करते हैं इनकी बॉडी को पानी से, तो ये वो डिज़ाइन है वो मैं ब्लैक स्केच से ही बनाती जा रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए, इससे थोड़ी थोड़ी सी जिससे कि ये लगे कि हाँ ये फिश ही हैं। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज वाली फिश जो थी उसको भी मैंने डिटेल बना दी है, आप लोग भी ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये वाली को भी बना लिया मैंने, इस तरीके से बनाते जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं जो इसका टेल फिन है उसमें भी थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी लाइंस कर रही हूँ शेडिंग की, इस तरीके से मैंने कर दिया है क्योंकि टेल फिन इसी तरह के शेप में होते हैं। यहाँ ये हमारी ड्राइंग ऐसे ही फाइनल हो जाती है, देखो ये हमारी ड्राइंग फाइनल इसका आउटकम है। अभी भी मेरी आइज़ में थोड़ी सी डिटेल बची हुई है तो मैं आइज़ में डिटेल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने भी पूरी ड्राइंग इंजॉय की होगी, थोड़ी सी लेंदी तो है थोड़ी, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।